मत्तीरची सुसमाचार अध्याय 16 मत्तीरची सुसमाचार अध्याय 16 और फरीसियों और सदुकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा कि हमें आकाश का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया कि सांझ को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो कि आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धुमला है। तुम आकाश का लक्षण देखकर भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद नहीं बता सकते। इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर यूनुस के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। और चेले पार जाते समय रोटी लेना भूल गए थे। यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसियों और सदुकियों के खमीर से चौकस रहना। वे आपस में विचार करने लगे कि हम तो रोटी नहीं लाए। यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं? क्या तुम अब तक नहीं समझे और उन 5,000 की 5 रोटी स्मरण नहीं करते, और न यह कि कितनी टोकरियां उठाई थी, और न उन 4,000 की 7 रोटी, और यह कि कितने टोकरे उठाए गए थे? तुम क्यों नहीं समझते कि मैंने तुमसे रोटियों के विषय में नहीं कहा? फरीसियों और सदुकियों के खमीर से चौकस रहना। तब उनकी समझ में आया कि उसने रोटी के खमीर से नहीं पर फरीसियों और सदुकियों की शिक्षा से चौकस रहने को कहा था। यीशु कैसरिया फिलिप के देश में आकर अपने चेलों से पूछने लगा कि लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। उन्होंने उससे कहा, कितने तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, और कितने एलियाह, और कितने यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पत्रस ने उत्तर दिया कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है क्योंकि मांस और लहू से नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझको कहता हूं कि तू पत्रस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को चिताया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा कि मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं, और पुरनियों और महापुजारी और शास्त्रियों के हाथ से बड़ा दुख उठाऊं, और मार डाला जाऊं, और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा कि हे प्रभु, परमेश्वर न करे तुझ पर ऐसा कभी न होगा। उसने फिर कर पत्रस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातें नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उसे खोएगा, और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वह उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों के साथ अपने पिता की महिमा में आएगा, और उस समय वह हरेक को उनके कामों के अनुसार प्रतिफल देगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कितने ऐसे हैं कि जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए न देख लेंगे तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे।